शालीन भानोट को और शिव को मिलेगी सलमान खान की फटकार। वीकेंड का वार पर उठेगा कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा का मुद्दा। टीवी रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 16 में शालीन भानोट बतौर कंटेस्टेंट नजर आ रहे हैं। उनके नाम में तो शालीन है, लेकिन वो शालीनता का परिचय देते हुए बिग बॉस के घर में एक बार भी नजर नहीं आए हैं। उनका अग्रेसिव बिहेवियर हो या फिर मजाकिया अंदाज, शालीनता का दूर दूर तक नाम नहीं है। बीते एपिसोड में शालीन भानोट बिना कुंडी खड़काए बाथरूम का दरवाजा खोल देते हैं। उस समय अंदर सौंदर्या नहा रही थी। ऐसा नहीं है कि शालीन को पता नहीं था और उन्होंने गलती से ये किया हो। दरअसल शालीन को पता था कि बाथरूम में कोई अंदर है, क्योंकि बाहर पहले से ही माइक टंगा हुआ था और उन्होंने बकायदा जाकर माइक को देखा भी, जिससे उनको ये साफ पता चल गया कि अंदर सौंदर्या है। और उसके बावजूद उन्होंने दरवाजा बिना खटकाए खोलने का प्रयास किया। अंदर से कुंडी नहीं लगी थी, इसलिए दरवाजा खुल भी गया। तो सौंदर्या ने अंदर से आवाज लगाकर ये भी कहा कि आप नॉक नहीं कर सकते क्या? तो शिव वहां बैठे थे, शिव ने पीछे से कमेंट्री की और ये कहा कि आप कुंडी नहीं लगा सकते क्या? तो इस तरह की बातें होती रही। हालांकि सौंदर्या ने अपनी सफाई दी और ये कहा कि कुंडी में कुछ खराबी है और वो लगाने के बावजूद कई बार नहीं लगती। तो कुल मिलाकर इस मुद्दे को जरूर उठाया जा सकता है, क्योंकि शालीन ने जानबूझकर बिना नॉक किए दरवाजा खोलने का प्रयास किया और ये यकीनन शालीनता का परिचय बिल्कुल नहीं था। वहीं शिव इस मुद्दे पर मजाक बनाते हुए नजर आए। वो पीछे बैठकर बैकग्राउंड में गाना गा रहे थे, कुंडी मत खड़काओ राजा सीधे अंदर आओ राजा। यानी यहाँ एक महिला के चरित्र के ऊपर तंज कसा जा रहा है और उसका मजाक बनाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर सलमान खान वीकेंड का वार के दौरान इन दोनों को खासतौर पर इस विषय पर फटकार लगाते हुए नजर आ सकते हैं। टीवी और बिग बॉस से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं।